नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे केले के पौधे से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, केले के पौधे को लगाने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया है, फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, केले के पौधे को मुख्य द्वार पे आप कभी ना लगाएं। किसी तीज त्योहार में सजाने के लिए आप अवश्य प्रयोग कर सकते हैं सजावट के दौरान, क्योंकि किसी भी शुभ मुहूर्त में या शुभ कार्य में केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है सजावट के रूप में, तो आप वो कार्य करें। बट केले का पौधा आप गेट पे लगा के ना रखें, उसे अपने घर के पीछे रखें। पीछे बालकनी हो या आपके पास स्पेस हो तो वहां पे रखें, और साफ सफाई का अवश्य ध्यान रखें। केले के पौधे के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए, और केले के पौधे में प्रतिदिन आप हल्दी वाला जल अवश्य डालें, केले की परिक्रमा करें। और हो सके यदि आपको लगता है कि आपका गुरु ग्रह खराब है, और गुरु ग्रह कैसे जानेंगे कि आप खराब है, यदि आपके लीवर में कोई परेशानी है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, यानी खाना खाने के तुरंत बाद ही आपको कोई ना कोई परेशानी होने लगती है, तो यानी कि आपके लीवर में इन्फेक्शन है, तो ऐसे टाइम पे आप केले के पत्ते में भोजन करना शुरू कर दें। केले के पत्ते में भोजन करने से हमारी बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जिनका पता हमें नहीं चलता है। यदि आप केले के पत्ते में भोजन करना शुरू कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। और दोस्तों, केले के पौधे में आप गुरुवार के दिन हल्दी वाला जल डालें, उसके बाद आप उस जल से टीका अवश्य लगाएं। जो लोटे में जल बचा रहता है उससे आप अपने माथे पे टीका लगाएं। और केले के पौधे की जो जड़ होती है उसे आप यदि, जैसे किसी आपको गुरु जी ने, किसी पंडित जी ने आपको बताया है कि आपको पीला पुखरा धारण करना चाहिए, तो पीला पुखरा काफी महंगा आता है पहली बात तो, दूसरी बात उसकी पहचान करना भी बहुत ही मुश्किल होती है। आप किसी लेबोरेटरी वगैरह में पहचान करके मंगाएं तो ही अच्छा होता है, ऐसे आपको कोई बेकूफ भी बना सकता है, तो आप इतने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। आप केले के पौधे की जड़ ले लें, आप जब भी नर्सरी से, आप इसके लिए नर्सरी जाएं और केले का पौधा खरीदें, और उसके बाद उसके नीचे जड़ होती है उसे आप कटिंग कर लें, उसके बाद उसे आप धूप में सुखा लें अच्छे से, गंगा जल से शुद्ध करने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा के आप धूप में रख दें, सूख जाए। आप ध्यान रखें कि सूरज ना डूबने पाए, उसके पहले ही आप अपनी जो केले की जड़ है उसे ले आएं और जमीन पे ना सुखाएं, हो सके तो किसी पात्र में रख के सुखाएं, और नीचे लकड़ी का पाटा अवश्य लगा दें। तो इस तरह करने से उसका जो अंदर का पावर होगा वो नहीं जाएगा कहीं, उसमें बरकरार रहेगा, और आप सूर्य उदय के समय उसको अपने गले में धारण करें, पीले धागे में, पीले कपड़े में उस जड़ को बांध लें, सिलाई कर लें, एक ताबीज नुमा बना लें, आप अपनी दाहिनी बाजू में भी बांध सकते हैं और अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो कार्य पीला पुखराज करता है वही कार्य आपका केले के जड़ से पूरा हो जाएगा। तो इस तरह केले का पौधा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है, शुभकारी होता है। हमेशा गुरु बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार के व्रत भी लोग करते हैं, और केले के पूजन का करने का विधान भी है, तो उससे हमारी पढ़ाई संबंधी, हमारी संतान संबंधी, यदि आपको संतान से कोई तकलीफ है कि आपको संतान होने में कोई परेशानी आ रही, तो गुरुवार का व्रत रखना आप शुरू करें और उनकी पूजन अर्चन करें, और हो सके तो प्रतिदिन हर गुरुवार के दिन आप केसर में गंगा जल से घोल लें, थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और चांदी की कटोरी अवश्य रखें। ये सारी चीजें जो चंदन आप बनाएंगे चांदी की कटोरी में ही आपको बनाना है, और उसको माथे पे, अपनी जीवा पे और अपने कंठ पे तिलक अवश्य लगाएं। लेकिन जब आप जीभ में तिलक लगाएं तो आपका हाथ जूठा हो जाएगा, उसके बाद आप कंठ में ना लगाएं, पहले हाथ को धो लें उसके बाद आप कंठ में तिलक लगाएं। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, नाभि पे भी लगाना चाहिए, यानी कि माथे पे लगाना है, जिह्वा पे लगाना है, कंठ में लगाना है और नाभि पे। इस तरीके से चार जगह आपको तिलक हर गुरुवार के दिन लगाना है, और देखेंगे कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे सारी समस्याओं का हल हो सकता है। तो ये सारे उपाय आप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।